दोस्तों, आज मैं आप सबों को कार्डिनल तिलिस्फोर पी टोप्पो की जीवनी बताने जा रही हूँ। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, यह वाक्य हमारे कार्डिनल तिलिस्फोर टोप्पो हमेशा कहा करते थे। कार्डिनल तिलिस्फोर पी टोप्पो का पूरा नाम तिलिस्फोर प्लासिदास टोप्पो है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर पारिश के झरगांव नामक जगह में एक उरांव परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अम्ब्रोस टोप्पो तथा माता का नाम सोफिया खलको था। 10 भाई बहनों में कार्डिनल तिलिस्फोर 8वें नंबर पर थे। माता पिता कृषक थे। इनका बचपन गरीबी में ही बीता क्योंकि घर से कोई सरकारी नौकरी में नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की, माध्यमिक शिक्षा बरवे नगर से की तथा उच्च शिक्षा बरवे हाई स्कूल चैनपुर से पूरी की। उन दिनों बेल्जियम से एक यीशु समाजी पुरोहित उनके गांव के पारिश में आए थे। उन्हें देखकर एवं उनसे मिलकर उसे लगा कि यदि ये अपने घर परिवार छोड़कर विदेशों से यहाँ गांव में इतनी दूर गरीबों की सेवा कार्य के लिए आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता हूँ। यही विचार उसके मन में घूमता रहा। बेल्जियम के इस पुरोहित के जीवन से प्रभावित होकर वे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पास कर रांची के सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई जारी रखी। फिर वो रोम चले गए। वहाँ संत अल्बर्टो मोंटिफाइड अर्बन यूनिवर्सिटी से ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 8 मई 1969 को स्विट्जरलैंड के बासिल में इनका पुरोहित अभिषेक बिशप फ्रांसिस्कुस द्वारा किया गया। कार्डिनल बहुत ही भाषाओं के ज्ञाता थे। कुरुक, हिंदी, सादरी, अंग्रेजी, इटालियन, संथाली, जर्मन और लैटिन। रोम से लौटकर सेंट जोसेफ स्कूल तोरपा में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे और कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने 1976 में तोरपा के लिवंस बुलाहट केंद्र की स्थापना की एवं उसके प्रथम निदेशक बने। उसके बाद वे महाधर्माध्यक्ष पीयूष किरकिट्टा के सचिव बने। 8 जून 1978 को वे दुमका के धर्माध्यक्ष चुने गए। उनका आदर्श वाक्य था, प्रभु का मार्ग तैयार करो। 7 अक्टूबर 1978 ईस्वी में संत तेरेसा बालिका विद्यालय दुमका के दुधारी में उन्हें दुमका का द्वितीय धर्माध्यक्ष बनाया गया। 8 नवंबर 1984 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें रांची के धर्माध्यक्ष पद पर नियुक्त किए। रांची में रहने के दौरान 4 अगस्त 1985 में संत पिता द्वारा उन्हें रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष की पदोन्नति दी। 25 अगस्त 1985 को पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालने की प्रतिज्ञा ली और कार्यभार संभालते ही कलीसिया के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। रांची की कलीसिया को सुसंगठित और अनुशासित बनाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। झारखंड के आदिवासियों की उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। ये बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे। मिलनसार, मृदुभाषी, सेवा भाव तथा ईश्वरीय चेतना के कारण लोगों के बहुत प्रिय थे। उसने सभी ईसाई समुदाय को एक करने के उद्देश्य से सद्भावना मंच को संरक्षण दिया एवं प्रोत्साहित किया। वे धर्म प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत काम किए। धर्म प्रांतीय स्तर पर SDC रांची, लिवंस वोकेशनल सेंटर हुलहुंडू, लिवंस एकेडमी लोहरदगा, डॉन बोस्को यूथ सेंटर बरियातू, फादर कांस्टेंट लिवंस एवं रिसर्च सेंटर मांडर। उसी के प्रयास से राजा उलिहातू के चर्च को माइनर बसिलिका का दर्जा मिला। उन्होंने कई नए पारिश की शुरुआत की। धर्म प्रांत में आधे से अधिक पुरोहितों का अभिषेक किया। उन्होंने 3 नए धर्म प्रांतों का निर्माण किया, गुमला, सिमडेगा एवं खूंटी। उसने 24 धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। वे 2 बार कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप के उपाध्यक्ष रहे, 1998 से 2002 तक। 4 जनवरी 2004 में 2 साल के लिए CCBI के अध्यक्ष चुने गए।
2002 से 2005 तक CCBI के अध्यक्ष रहे, दो बार कैथोलिक बिशप और कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। 2008 से 2013 तक कैथोलिक कलीसिया की अगुवाई की। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सहभागिता दिखाए। मेंबर ऑफ वर्ल्ड असेंबली ऑफ द सीनेट ऑफ बिशप्स, मेंबर ऑफ मोंटिफिकल काउंसिल फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग, मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी ऑफ फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वे एक भला चरवाहा थे, ईश्वर का भय रखने वाले, अद्वितीय और दृढ़ता से कलीसिया के जिम्मेदार और कर्तव्यपरायण मार्गदर्शक थे। 21 अक्टूबर 2003 को संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें महाधर्माध्यक्ष कॉलेज ऑफ कार्डिनल में शामिल कर झारखंड की कलीसिया का मान बढ़ा दिया। वे एशिया के प्रथम और भारत के तीसरे आदिवासी कार्डिनल बने। बहुत काम और जिम्मेदारियों को संभालते संभालते अब वे थक गए थे। 24 मार्च 2018 को वे अपने धर्माध्यक्ष पद से रिटायर होने का सोचे। उनका तबीयत खराब रहने लगा था, अतः आराम करने के उद्देश्य से सन 2018 से लगभग 4 साल तक राजा उलिहातु के माइनर बसिलिका चर्च में रहने लगे। उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से 3 अक्टूबर 2023 को उन्हें मांडर हॉस्पिटल में रखा गया था। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे वहीं रहे और 4 अक्टूबर 2023 को इस दुनिया को अलविदा कर हमसे विदा हो गए। अपने स्वर्गीय पिता के घर अनंत आराम के लिए चले गए। उनकी मृत्यु हम सबों के लिए, खासकर कैथोलिक कलीसिया के लिए एक बड़ी क्षति है। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके पार्थिव शरीर को 10 अक्टूबर को मांडर से रांची कैथेड्रल तक ह्यूमन चेन बनाकर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लाया गया। तत्पश्चात 11 अक्टूबर 2023 को समारोही मिस्सा के साथ तथा राजकीय सम्मान के साथ रांची महागिरजाघर में मदर टेरेसा की मूर्ति के नीचे उन्हें दफनाया गया।